बिसमिल्लरकमी उम्मीद करता हूँ सब कर खरियस होंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह से ख़ुराक वाली वीडियो बना रहे हैं और ख़ुराक आपको बताते हैं और क्या क्या चीज़ हम डाल रहे हैं तो वीडियो आप एंड तक देखनी है तो पहले हमने तूड़ी कुल्ली में डाली हुई थी और बाद में हम डाल रहे हैं खाल बिनोला और वंडा डालेंगे और चोकर भी डालेंगे तो तूड़ी को हमने गीला नहीं किया वैसे हमने डाल दिया और तो खाल कालोला दिला ये गीली है तो पानी भी आप देख सकते हैं बाकी हमने इनमें से गंदम भी डालनी है और वंडा भी डालना है और हमने चौकर भी डाला है तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है ताकि मज़ीद भी अच्छी वीडियो अच्छी मालूम आप दोस्तों तक मिलती रहे तो पीछे बकरियाँ खड़ी हैं से तो बकरियाँ भी निकाल के आपको दिखाएंगे किस तरह बकरियाँ चारा खाती हैं कैसे शौक़ से खाती हैं तो वो भी आपको इन इसी वीडियो में देंगे तकरीबन छः सात खुरलियाँ है तो तीस पैंतीस बकरियाँ भी आप देखें पा, किस तरह ये मिक्स कर रहे हैं तो हम भाला आप देखें ना बकरियाँ शौक से कहेंगे इसके ऊपर फिर हम चौकर डालेंगे तो चौकर के ऊपर फिर डालेंगे वंडा गंदम और खाल तो ये आप डाल रहे हैं तो तूड़ी को आपने गीला नहीं कहना वैसे डाल देंगे खुरली में और बाद में आपने जो गीली की हुई थी ना ने खाल तो वो ऊपर डाल के फिर आम मिक्स कर देनी अच्छे से तो फिर आपने ऊपर से थोड़ा वंडा डालना है चौकर डालना है थोड़ी सी आपने गंदों भी डाली है तो अभी थोड़ी में क्या-क्या है एक खाल ले तुरी चौकर और इन वेज तो भला गंदम दा डाला सी अच्छा भला वंडा पैथू इज को खा खर्सन भला बकरी दी जान भी बनदी है फिर जिस तरह हो गया सर हो गया और बेर वगैरह होगी ना तो पार्ण वो खुराक बाद में सुबह की खुराक ही है तो बकरिया निकालेंगे हाँ सुबह सुबह लोग जो ना पट्टे डाल देने पट्टे नहीं डालने चाहिए सुबह अपने गर्म खुराक देनी चाहिए अपने बाल को तो दोपहर को फिर जिस तरह सूरज निकल रहा हो ना आप पट्ठे डालें अपने माल को जिस तरह पिकर हो गया बेर होगी सैलद वगैरह हो गया मकई का तो वो आप डालें तो ये अच्छी तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं तो फिर बकरियाँ निकालेंगे एक एक बकरी के नाक साफ़ करेंगे तो फिर अलहमद से फिर बकरियाँ शौक से खाएँगी तो वीडियो आप यहाँ देखें ना किस तरह बकरियाँ खा रही हैं तो उनकी जो ना खुराक तैयार हो चुकी है तो सिंपल सी खुराक है और इतना खुराक के ऊपर पैसे भी नहीं लगते हम से आप देख सकते हैं बकरियाँ भी शौक से खाती हैं तो तीन चार हमने आइटम मिक्स किए थे और बकरियाँ पर आप देखें ना तो पहले नंबर पे आप डालें भूसा तो दूसरे नंबर पे आप खाल डालें तो उसके खाल के ऊपर ज़्यादा नहीं आप किलो कच्चा चावल वो डालें फिर आप डालें गंदम तो गंदम के बाद आप फिर कोई खुराक भी आप डाल सकते हैं तो बंदा वो वंडा भी और जिस तरह हो गया और गंदम का दलिया हो गया वो भी आप डाल सकते हैं ज्यादा ही खुराक डालें सुबह तो दोपहर को आप डालें मकई का सैलन तो वो भी शौक से खाती है जिस तरह पत्ते वगैरह होगा ना वो भी आप डालेंगे वो भी आप शौक से खाएंगी बकरियाँ तो इस तरह धूप जब निकले उस वक्त डालें खुराक ठंड बहुत ज्यादा है या बकरियों को अंदर खुराक दें ना ढेर बन्ने जरे सवेरे से काट सवेर माल के ना उन्हें है के दा की सफा करना तते पानी नाल भला नाक ने, ने सफा करना हाँ माल पहले अंदर फ्रेश कर के आ पहले जो ना जानवर अपने को अंदर फ्रेश करें और बाद में बाहर जब खुराक इनकी तैयार की क् हुई ना तो फिर बाद में जानवर आपका बाहर निकले तो इस तरह जब बंदर होता है फिर आप खिड़की खोल देते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं फिर जानवर बाहर आ जाता है तो ज़्यादा नहीं आप अलहदा से कपड़ा उठा के उनके नाक उनकी आँखें तो उनके मुँह आप साफ़ करके फिर अपने जानवर को बाहर निकालें फिर खुराक के ऊपर ठहराएँ तो फिर खुराक खाएगा इस तरह जिस तरह सुबह का खड़ा हो जानवर शाम का फिर सुबह आप निकाल दें उस तरह खुराक ये नहीं खाएगा जिस तरह आप जी बीमार हो जाते हैं फिर जानवर कमज़ोर हो जाते हैं फिर जानवर मर जाते हैं तो इस तरह जानवर नहीं मरेंगे तो रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मजीद अच्छी वीडियो मिल सके आप दोस्तों को